परिचय बताएंगे सरपंच जी। हिंदी में खिला रहे हैं, छत्तीसगढ़ी में आप नहीं बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मिलाप सिंह जगत, सरपंच प्रतिनिधि नौगढ़ी। अच्छा, तो अभी पिछले चार साल से कांग्रेस के कार्यकाल रही, तो कांग्रेस के कार्यकाल में आप मन अपन के ग्राम पंचायत में कतक विकास करवाए? विकास तो बहुत सारा हुई से, हाँ। दो ठो सीसी रोड हुई से, हाँ। तीन ठो सीसी रोड हुई से, हाँ। एक ठो 10-12 लाख के तालाब रोड में, और नाला रोड में 4 लाख के पहले, ओकर बाद 4 लाख के फिर, तीन ठो सीसी रोड। अच्छा, दो ठो मुक्ति धाम बनी से, एक ठो बन गए है और एक ठो अभी अधूरा है। अच्छा, ओकर बाद में WBM रोड बनाए हैं 14 लाख के, पुलिया बनाए हैं, उनमें हमन बनाए हैं एक ठो PDS घर, एक ठो आंगनबाड़ी बनाए हूँ, और स्कूल भवन भी बना थे, हाई स्कूल भवन भी बना थे। अच्छा, हाँ। हाई स्कूल एक ठो बना थे, अतिरिक्त भवन, हाई स्कूल की अतिरिक्त भवन बनी से, मिडिल स्कूल के अतिरिक्त भवन बनी से, अब प्राइमरी स्कूल है अभी चलत है, अभी बना थे प्राइमरी स्कूल बना थे। नल जल के क्या स्थिति है? नल जल हर तो टंकी बन गए है, लेकिन अब पानी चालू नहीं है। अच्छा, पानी चालू नहीं है, नहीं है, कब पहुंच गया अभी तक? हाँ, पूरा नल फिटिंग हो गए है। नल जल के काम पूर्ण नहीं होने के कारण क्या सरपंच जी? ये में का है, हमारे यहाँ पानी नहीं मिला थे, हाँ। और दूसरा जो ठेकेदार है, हाँ। वो ठेकेदार पानी पहुंचा के वाला देना है, लेकिन अभी तक पानी नहीं पहुंचा इसे। कतक दिन के महीना हो गए अधूरा? ये अधूरा काम साल भर हो गए। नल जल वाला? नल जल वाला साल भर में, अभी तक ठेकेदार नल जल के घर घर तक पानी पहुंचा के नहीं दे पाई से। अच्छा, तो आप मन के तरफ से का कुछ बोले हो ठेकेदार? मतलब हमन कई बार एला बोल चुके हैं, हमारे गाँव में आते तो पर भी बोलते, लेकिन वो ध्यान नहीं दी तो क्या करबो, ठेका माध्यम है, हमारे पंचायत से तो मैं कोई लेना देना है नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी योजना है गोठान, स्थिति है गोठान ठीक है? आपके यहाँ गोबर खरीदी हो? हाँ, गोबर खरीदी होते। अच्छा, तो विधानसभा चुनाव की बात करबो, छत्तीसगढ़ में काकर सरकार बन सके? छत्तीसगढ़ में अब बोला कह नहीं सका है, हाँ। काकर बनी तेला भविष्यवाणी तो भविष्यवक्ता हम नहीं मन। विकास काम ला देखते हुए कांग्रेस के सरकार आना चाहिए, हाँ। कब हमारे धान के बोनस के रेट अच्छा मिली से, अच्छा। और अभी 20 कुंटल धान खरीदी करे बर घोषणा तो करा थे, हाँ। और 20 कुंटल बोनस सही भी मिला थे, और एकड़ में 20 कुंटल धान ली और 2800 रुपया घोषणा कर थे, तो जहाँ तक तो उम्मीद लगा थे कि पूरे सरकार बनी। मतलब आप 100% मतलब सही वो नहीं हो कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस? नहीं नहीं, 100% तो लगा थे, थोड़ा मोड़ा 100% तो कोई भी नहीं कह सके, हाँ। 100% मतलब नहीं 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 मतलब 100% कहना किसान के हित में सविलियन है, कर्मचारी मन लभी हो करी, हां मतलब का करना है? नहीं, मोला तो कांग्रेस से ही सरकार बनी ऐसे उम्मीद है मोला। हम बसना विधानसभा के बात करबो, हाँ। मतलब अभी तो राजा साहब के ही नाम आते, हाँ। मतलब जनसंपर्क में, हाँ। और कोई नाम है का जो मतलब कांग्रेस से कोई दावेदारी कर रहे थे राजा साहब की? और दूसरा नहीं आते, दूसरे दावादारी नहीं आते सिर्फ। बीजेपी में काका नाम चलते सरपंच? आप जन प्रतिनिधि हो, मतलब घर घर जात रहे, तो कई जिन लोगों मिलते रहते हैं, तो आप मतलब क्या बताते हैं बीजेपी से का चलत है? अब बीजेपी से अभी सिर्फ मोला एकर पता चलत है संपत भैया के, अच्छा, हाँ। ओकरे बीजेपी लेके झन के पता चलत है, हाँ। बाकी के पता नहीं चलत है। तो बाकी आप मन के गाँव में दूसरा गाँव के अलावा अच्छा विकास ऐसे ऐसे हम लोग देखे और मिली? हाँ, बोला आप मन जान, हाँ, विकास लब में मोर तरफ लब में बड़े करते हर अच्छा बात है। का काम बाचे जो आप मन पूरा करवाना चाहते हो गांव में बता? मोर अभी WBM रोड एक ठो सुकृत करवाए हम, हाँ। मतलब ये हमर गाँव के वो गोहे ददर के पहुँच मार्ग तक, हाँ। ये हर अभी 25 लाख के सुकृत हो है, एक हफ्ता होते धान फसल जैसे भी है चालू हुई वो काम चालू हो जाए। बताओ कि आपके गांव में कम से कम 3 CC रोड मिले हैं, हाँ। एक दो WBM रोड मिले हैं, हाँ। तो कौन कौन सा मत का है? विधायक मत के, सांसद मत के, ऐसे कुछ? विधायक मत के दो ठो मिली से, अच्छा। एक ठो 12 लाख के, एक ठो 3 लाख के, अच्छा। अच्छा, जिला पंचायत मत से 4 लाख के काम मिली से, हाँ। और शिक्षा विभाग ले 7 लाख के आहता निर्माण कर रहे हैं हाई स्कूल ला, अच्छा। वो शिक्षा विभाग ले हुई से, हाँ। अच्छा, और
जोन अभी 14 लाख के WBM रोड बना होते हैं रोजगार ग्रांटी लो इसे। और एक सवाल आओ है, मतलब विधायक जी मतलब कब तक सक्रिय है आपके गाँव में है, मतलब हाल चाल आइन है के बारे में, मतलब आ रहे उद्घाटन में अशोक आम के? हाँ हाँ, जनसंपर्क में आ रहे हैं, जनसंपर्क में बार आ रही ना, एक बार ठाकुर दिया ब्याह करते हैं तेमें भी बुला रहे हैं। विधायक के कार्यकाल आप कम तक संतुष्ट हो और गाँव वाला मंत्री का कहना है विधायक वर्तमान विधायक राजा साहब के पास? मोर तरफ ले तो ठीक है, अच्छा। और बाकी दूसरा के मतलब मैं बोल नहीं सकूं भाई। अच्छा। बाकी आप मन के तरफ से ठीक है, विधायक अच्छा काम है। हाँ, विधायक के मतलब एक ठो प्रशंसा लागे थे, मतलब वो इसने चीज ला नहीं बोलना चाहिए माइक नहीं पता ना का, मतलब मतलब ऐसे थोड़ी है कि मतलब विधायक रोके नहीं कछु भी काम विधायक के ऊपर आज तक जो घूस के आरोप लगे। हाँ वही ला बोलना, अभी तक हम लोग का काम दिसने, लेकिन कमीशन के नाम से चार हमला दे बनी लगे। आज तक मतलब वर्तमान विधायक जो है आप राजा साहब, हाँ वर्ष मतलब ऐसे कोई भ्रष्टाचार के हाँ कमीशन चार आना नहीं लगे, काम अच्छा करते। अच्छा प्रधानमंत्री आवास के क्या हालत अभी? कब का प्रधानमंत्री आवास बने? अभी लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना के वो 70-80 ठो चलत है अभी। पिछले 4 साल में कब का बने? अभी बने हुए, अभी ऐसे पिछले 3 साल में नहीं मिल रही, अभी 70-80 ठो आवास चलत है काम में। बने बस शुरू हो गए? नहीं नहीं सब चालू है, रनिंग में है। हाँ। और जैसे कि इस क्षेत्र में महुआ शराब बहुत बिकते, हाँ तो कांग्रेस सरकार के एक वादा रही शराबबंदी, शराबबंदी नहीं हुई, हाँ। तो का वो प्रभावित करी चुनाव ला? चुनाव ला तो प्रभावित नहीं करे, काबर हमारे यहाँ तो मिले नहीं, पहली बात हमारे यहाँ महिला समूह पूरा सक्रिय है, हमारे यहाँ शराब नहीं मिले। हाँ हमारे यहाँ महिला समूह सक्रिय तो शराबबंदी है हमारे यहाँ। हाँ बाकी शराबबंदी वाला मुद्दा प्रभावित नहीं करे विधानसभा चुनाव? शराब बंदी देखो तो मेहनत का आदमी दिन भर मेहनत करते बोला थके मंद आए पर कुछ नहीं मिली तो शराब बंदी कर दा तो आदमी के तो जीना दुर्भर हो जाए, मैं ऐसे सोचता हूँ भाई। अगर शराब बंदी हो जाएगा तो लोग मतलब अवैध शराब का सहारा लेंगे? हाँ 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 ये सब चीज है, ये चीज। हाँ मोर नाम छविलाल पटेल है, पिता का नाम कन्हैयालाल पटेल, ग्राम निवासी नवगढ़ी। अच्छा अभी काकर माहौल चलत है विधानसभा थी बसना में कांग्रेस? बसना में तो देखो तो हाँ। मतलब ये के देखा जाए मतलब प्रगति के हाँ। तो कांग्रेस के चलत है। अच्छा हाँ। और ऐसी माहौल देखा जाए तो भाजपा के चलत है। अच्छा हाँ। हाँ। मतलब विकास काम में भी कांग्रेस है। हाँ। भाजपा के माहौल कौन सा मुद्दा वाला लेकर चला था? मतलब क्या वजह है कि क्या वजह भाजपा के मुद्दा तो अभी सामने नहीं है इसे। हाँ। लेकिन अब माहौल बना थे। अच्छा माहौल बना थे। कौन बना थे माहौल? अभी भैया संपत अग्रवाल बहुत तो जनसंपर्क में जुड़े हैं और गाँव पद यात्रा भी करते हैं और आते जाते हैं। अच्छा भाजपा के माहौल संपत अग्रवाल के वजह से बने हैं ऐसे आप मन लगाना है बसना विधानसभा? हाँ हाँ। अच्छा हमारे ये सवाल रही सब कि छत्तीसगढ़ में काकर सरकार बना दिखाई दे थे? देखो तो सामने यह गणित है। हाँ। बड़े आदमी मन गणित कर सकते हैं। हाँ। हमारे छोटे आदमी गणित कर नहीं सकन। हाँ। हमन 2-4 जन कन बैठन। हाँ। ज्यादा संग बैठ नहीं सकन तो शायद लगते ये लग देख के निर्माण कार्य देख के कांग्रेस ही और शायद लगते ये मतलब भाजपा भी आ सकते है, इनमें कोई दो मत की बात नहीं है, दोनों का टक्कर है हमारी विधानसभा में। अच्छा हाँ, हाँ। हमारा आप अच्छा बसना विधानसभा। हाँ हाँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी कौन सरकार बना सकते है ये सवाल रही इसमें? छत्तीसगढ़ में मैं कह नहीं सकूं भाई, देखो तो ये बड़े बड़े गणित के मन तुझ बता सको जहाँ ये कर फिर भी विकास काम वाला देख के जैसे किसान मन के समर्थन मूल्य में धान। हाँ वो तो है जो है सामने है। हाँ बोला कोई पीछे नहीं है। हाँ समर्थन मूल्य में लिए थे। हाँ और बोनस भी दिए थे। बोनस भी दिए थे, गोठान है। हाँ हर चीज में मतलब मल्ला मतलब गरीब मजदूर मल्ला है 7,000 साल। हाँ, हाँ। जो भी योजना है ते में लागू है। अच्छा हाँ। गरीब दुखी ले लेके लागू है का? अच्छा कांग्रेस के कार्यकाल में तुम्हारे गांव में का विकास काम हुई?
मुरगा में बहुत हो से गा। अच्छा, सरपंच महोदय जानी हाँ। मैं एक एक ठा करके गिनती कर दो चार ठा काम मन के हाँ, आंखी में दिखत है, आंखी में दिखत है। अच्छा, गोठान हो गए, ओकर रोड हो गए, और एती BMW एती बा चालू हो गए। अच्छा, हाँ। उसने बहुत है। अच्छा, हाँ। हमर संतुष्ट हन ओकर कार्यालय कार्यालय संतुष्ट हन। अभी वर्तमान विधायक देवेंद्र बहादुर सिंह हाँ गांव में आना जाना मतलब एक दो बार करी से जन संपर्क करते देखो तो बुलाथन हां हमला जरूरत पड़ते हैं बुलाथन। क्षेत्र के जनता मन संतुष्ट है हां होना चाहिए। आप मन कैसे हो? नहीं आप मन, हम तो संतुष्ट हैं भाई। काबर हम दो तीन बार आगिन ने हमर गांव और खुद ठाकुर दिया में हम निमंत्रण दे रहे आ रही और शायद सोसाइटी के में किसे हुई से भैया हाँ सोसाइटी हमारे यहाँ हो गए जो नहीं नहीं वो अलग जी हो गए उकरे मार्फत जो हो गए देवेंद्र बहादुर क्या कहना है कि सोसाइटी में आए थे कि नहीं उद्घाटन नहीं हमारे यहाँ सोसाइटी भाग जा रही तो सब के लिए सोसाइटी हमारे गांव में अच्छा अच्छा केवल कांग्रेस के ही में आए हैं। अच्छा हाँ। विधायक महोदय से अच्छा मतलब विधायक महोदय सहयोग किए हैं हाँ, 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 हाँ। हमारे नवगढ़ी को फुल सहयोग करते हैं क्योंकि उनका एक आदिवासी क्षेत्र भी अच्छा है नवगढ़ी उनसे भी परिचित हैं और कांग्रेस से भी परिचित हैं। राम रतन पटेल कौन गा नवगढ़ी। अच्छा विधानसभा चुनाव चल रहे काकर माहौल चल रहे बीजेपी की कांग्रेस के बसना में अभी देख तो गा महुला 69 वर्ष ऐसा हो गए जब ले होते यहाँ विधानसभा तो हमारे बसना पे थोड़ा ले कोई प्रत्याशी नहीं है का किधर किधर के सरेच पाली सरेच पाली सरेच पाली तो हमला चाहिए स्थानीय आदमी तो ओकर लाग हमारे घर बसना विधानसभा में संपत भैया दिखा थे। अच्छा मतलब संपत अग्रवाल दिखा है। हाँ वो बीजेपी ले का बार कभू भी देखो तो सरेच पाली एरिया के कभू देख ले आज ले हमारे देखो नहीं मिले हमारा दर्शन नहीं मिले विधायक बन जाते हैं तो अभी का छत्तीसगढ़ में काकर सरकार बने छत्तीसगढ़ में तो अब जो न अच्छा प्रचार करे अभी तो हमारे बीजेपी फिर वापस आई कहू लागत है लागत है का तो अनुभव है। तो कांग्रेस के का माहौल चला था कांग्रेस के और का माहौल चला थे वही धान के घोषणा कर दी तीला चार योजना में थे कदे हाँ। तो मतलब सब रद्द कर दी बिजली हाफ के इसका उल्टा बढ़ा दी हाँ। अभी तो फिर बढ़ गया अभी के में। अच्छा वर्तमान विधायक साहब आते आना जाना करते गाँव मन में अब वो कर जीते के बाद में तो कुछ हमें नहीं देखे भाई को आए नहीं सोचते सरपंच ने पूछा लेकिन मैं नहीं भेट पा रहा हूँ हाँ लेकिन मैं नहीं भेट पा रहा हूँ जबकि मैं बीज गली के आदमी हूँ। अभी वर्तमान विधायक के कार्यकाल से कतक खुश हो आप मन अभी चल सकते कर हाँ जो विधायक साहब है हमारा राजा साहब हाँ हाँ वो आना जहाँ तो नीच करेगा कार्यकाल वो जो विकास काम करी सोकर से कतक संतुष्ट है गांव वाला मन कहा था होकर से कुछ योजना पा होगा हाँ दो दिन फैमिली से बोले हाँ, हाँ, बता रहे सर मस्त हाँ अब मैं तो नहीं जानता कदे। अच्छा हाँ आप मन क्या नाम है मोहर साहब ओगरे तो अभी संपत के चला थे। अच्छा हाँ। संपत भैया कोई भी कार्यक्रम है हाँ। गांव में छठी बरही अच्छा। कीर्तन कोई भी कार्यक्रम में आते है हाँ। कोई भी मरीज है ओला अपन एम्बुलेंस दे के हाँ। रायपुर तक बालाजी पहुँचाते है हाँ। और बहुत एक गान है हमारे गांव के लिए। अच्छा बहुत आना जाना कोई भी समस्या है ओकर हल करे तो टिकट मिलेगा उम्मीद है संपत अग्रवाल ला अब मिलना तो पक्का है बाकी तय है हाँ। बाकी कोई दूसरा भी दही ना तो हाँ। बीजेपी ले हार जही जब तक संपत भैया दही तभी जीती। अच्छा मतलब आप मन कैसे कहना है कि बीजेपी अगर संपत अग्रवाल से आओ कोई टिकट देगी तो हार जाएगी हाँ हार जाएगी यहाँ पूरा तो मान लो संपत अगर बीजेपी टिकट दे भी देते तो क्या वो कांग्रेस के जो राजा साहब जो प्रत्याशी है पूरा हर मान सके आराम से धुर्रा छड़ा दी दो मत के सवाल नहीं है पूरा बहुत वोट से जीती। अच्छा बहुत वोट से जीती हाँ। कैसे पिछले बार तो 50,000 जो निकाले हैं रही वो निर्दलीय में उतना निकाले रही तो अभी पार्टी से मिल जाए तो बहुत तो 1.5 लाख वोट निकाल सका थी। अच्छा हाँ। हाँ। पार्टी की जैसे अगर हम पार्टी के बात कर बो तो बसना विधानसभा में बीजेपी में भी गुट चलत है ना तो अगर संपत अग्रवाल टिकट मिली तो पार्टी वाला मन में नुकसान पहुंचा सकत है कि नहीं
हाँ थोड़ा बहुत पहुँचा ही, बाकी पूरा पहुँचा नहीं सके। टिकट मिला थे तो भैया आराम से जीता थे, और कोई भी बीजेपी के कोई भी और गैर आदमी दिया जा ही वो बिल्कुल नहीं जीते। और एक बात और है, हमार जो विधानसभा के आदमी आज तक नहीं मिले, दूसरा से दूसरा विधानसभा से हम किराए लान के यहाँ जीतवात हन। अच्छा, तो बीजेपी समर्थक मन मान लो बसना विधानसभा ले कोई दूसरा लाठी कर दी, तब का स्थिति रही? पूरा हार हो ही। हार हो ही। हाँ। जैसे कि डीसी पटेल वो तो बिल्कुल हार हुई, वो तो अभी दूसरा के दूसरा से किराए लेके आता ना वो सरायपाली से मिलू भैया चंद्र कुमार पटेल मन के जानतो का वो कर, तो कोई माँ बाप के कोई पता नहीं है कहाँ के आदमी है, और चुनाव के टाइम में ऐसे आदमी टपक जाते हैं और वो टिकट लेके आ जाते हैं खरीद वरीद के, बाकी वो मन के कोई रोल नहीं है यहाँ। ऐसे प्रत्याशी मतलब देखना नहीं चाहते ऐसे कार्य, ऐसे आदमी ला हम बिल्कुल हम पसंद नहीं करन जो बाहरी है, सिर्फ भैया संपत भैया हमारे क्षेत्रीय आदमी है। हाँ। और यदि ओला मिल जाते तो आराम से वो बहुत बोर से जीती। सर अब देखो सरकार तो अभी बीजेपी का हो सकता है काबर अभी बहुत देखते हुए अभी बीजेपी आ सकता है छत्तीसगढ़। बीजेपी का माहौल अभी अभी चल रहा है काम, बीजेपी का कौन कौन सा ऐसा अच्छा काम है जो लोग उनको वोट करेंगे, कौन कौन सा काम पैसे देकर, क्या मुद्दा है बीजेपी का मुद्दा बीजेपी यदि किसानों के लिए 20 कुंटल धान खरीदेगा और 3000 कुंटल का घोषणा करेगा तो केंद्र राज्य में आ जाएगा। अच्छा, लेकिन देखिए हम मेरा एक सवाल है, मतलब इस चुनाव के छोड़ के पिछले 15 सालों तक बीजेपी ही कार्यकाल थी, तब तक तो उन्होंने किसानों के बारे में कुछ ऐसे बीजेपी ने कुछ नहीं सोचा, रमन सिंह जी नहीं तो इसी कारण तो उनका हार हुआ है। तो जो अपना घोषणा पत्र में उन लोग बोनस देंगे वो देंगे बोल के बोले थे, उनको नहीं दिए, 2 साल से 3 साल से नहीं दिए। अच्छा, तो क्या लगता है कुछ सबक लेंगे इससे? सबक लेंगे, और मान लो 3000 कर देते हैं और 20 कुंटल में धान खरीदते हैं तो एक बार फिर विश्वास करेंगे। अच्छा, लेकिन उन्होंने जब रमन सिंह मुख्यमंत्री था तो उन्होंने कई बार बोनस देने का वादा किया और किसानों को घुमाया जिससे बहुत आक्रोश थे, तो क्या किसान वर्ग फिर एक बार रमन सिंह को या फिर बीजेपी को भरोसा करेंगे, ऐसे लगता है आपको? नहीं, जरूर करेंगे यदि उसमें अमल करेंगे तो, जो अभी 20 कुंटल और 3000 कुंटल कर देंगे ना। हाँ। तो जरूर करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अभी पिछले 4 साल तक कांग्रेस ही कार्यकाल था तो गांव में कितना विकास हुआ? हाँ। कांग्रेस के कार्यकाल में अब यहाँ तो अभी अब पानी वानी का समस्या है, बाकी तो कार्य उतना। हाँ, पानी वानी का समस्या है क्योंकि वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, केंद्र सरकार की योजना है, जो घर घर जो नल जल योजना है ना मोदी सरकार का काम है, और ठेकेदार लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, सरपंच जी बता रहे थे। उसमें छोटा मोटा काम हो गया है, दिए हैं सरपंच को, बाकी उतना मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा, क्या क्या और काम मिला है, है क्या ऐसी जो गांव में? यहाँ ज्यादा पानी की समस्या है, पानी की समस्या है, बाकी विकास काम बाकी तो ठीक है। गोठान का क्या स्थिति है? गोठान भी ठीक है। तो अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है, क्या स्थिति है, क्या माहौल चल रहा है बीजेपी का कि कांग्रेस का? देखिए, हमें तो कांग्रेस बीजेपी का उतना ये नहीं है। हाँ। अभी हमारे गांव में लगभग लगभग क्या पूरा पूरा कहना चाहिए, पूरा माहौल हमारे गांव का पूरा संपत अग्रवाल का है। अच्छा, संपत अग्रवाल भैया जो हैं कहीं भी बुलाओ उनको, बीजेपी के कारण है कि संपत अग्रवाल के कारण है? संपत अग्रवाल के कारण है। अच्छा, संपत अग्रवाल के कारण बीजेपी का माहौल ऐसी है। हाँ, बीजेपी के संपत अग्रवाल के छोड़ और बीजेपी के और जो वरिष्ठ नेता है जैसे रूप कुमारी चौधरी है और डीसी पुराने तो जो भी हैं जो वरिष्ठ नेता, वो लोग जनसंपर्क में आ रहे हैं कि बीजेपी के प्रचार को लेकर गांव में? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं। हाँ, उनसे हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ है। अच्छा। और ये जो भैया जो हैं हमारे संपत भैया जी, कहीं भी बुलाओ हर सुख दुख में आके खड़े होते हैं, इसलिए पूरा हमारी एरिया वाले गाँव वाले
उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हीं के अंदर में हम लोग वोट देंगे और जो वो जो पार्टी में जाएंगे उनको अच्छा, आपने अच्छा जो भी पार्टी में जाए अगर निर्दलीय भी लड़े निर्दलीय में भी जाएगा तो भाई हम वोट देंगे उनको विधायक के रूप में हमारे बसना विधानसभा में उनको विधायक के रूप में पूरा हम देखना चाहते हैं।